दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप B.1.1.529 सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया के विशेषज्ञों और सरकारों में चिंता फैला दी है। वैज्ञानिकों ने भी कोरोना के नए स्ट्रेन को परेशानी का सबब बताया। उनका कहना है कि देश की सबसे घनी आबादी वाले प्रांत गाउतेंग में युवाओं के बीच ये स्वरूप तेजी से फैला है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूपी B.1.1.529 पर नजर रखे हुए है और विशेष बैठक करेगा, जिसमें विचार किया जाएगा और बहुत अधिक बदलाव से पैदा हुए स्वरूपों को चिंतित करने वाले स्वरूप की सूची में डाला जाए या नहीं, इस बारे में चर्चा होगी। WHO में संक्रामक बीमारी महामारी और COVID-19 तकनीकी समूह का नेतृत्व कर रही मारिया वान केरकोव ने बृहस्पतिवार को प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान बताया, 100 से भी कम स्वरूप का जीनोम अनुक्रमण उपलब्ध है। हम इसके बारे में अब तक नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि स्वरूप में अनुवांशिकी रूप से अधिक बदलाव हुए हैं, और जब कई स्वरूप होते हैं तो चिंता होती है कि COVID-19 वायरस के व्यवहार पर ये कैसे असर डालेगा। गुरुवार को एक ब्रीफिंग में दो दक्षिण अफ्रीकी विश्वविद्यालयों में जीन अनुक्रमण संस्थान चलाने वाले जैव सूचना विज्ञान के प्रोफेसर चुलियो डी ओलिवेरा ने कहा कि ये वेरिएंट कोविड के अन्य स्वरूपों में स्पष्ट रूप से बहुत अलग है। UCL जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के निदेशक फ्रेंकोइस बालॉक्स ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट संभवतः एक कमजोर एंटीबॉडी वाले व्यक्ति के पुराने संक्रमण के दौरान विकसित हुआ है। फ्रेंकोइस ने कहा कि हो सकता है ये स्वरूप एक HIV एड्स रोगी में मिला हो, जिसने अपना इलाज पहले नहीं करवाया। महामारी विज्ञानी एरिक फिंगलटिंग ने कोरोना के नए संस्करण की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए कहा, दक्षिण अफ्रीका में COVID-19 सकारात्मकता दर 1% से बढ़कर 30% हो गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का प्रसार काफी अचानक से और व्यापक स्तर पर हुआ है, इसी कारण एक सप्ताह में सकारात्मकता दर 1% से बढ़कर 30% हो गई है। इम्पीरियल कॉलेज लंदन के महामारी विज्ञानी नील फर्ग्यूसन ने कहा कि B.1.1.529 में स्पाइक प्रोटीन में उत्परिवर्तन की अभूतपूर्व संख्या थी, और इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका में COVID-19 मामलों की संख्या में हाल ही में तेजी से वृद्धि हुई थी। इस नए स्वरूप के सामने आने के बाद वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि वायरस के नए स्वरूपों की संख्या बढ़ सकती है, जो टीका के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकते हैं और उनके प्रसार की दर और अधिक हो सकती है व COVID-19 के गंभीर लक्षण वाले मामलों में वृद्धि हो सकती है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।